सभी पशुपालक भाइयों को और वेटनरी के जो स्टूडेंट्स हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी को मैं नमस्कार करता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पशुपालक भाइयों, आज की इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। ठीक है, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के कमेंट मैं देखता हूं डेली, तो आप सभी लोगों का कमेंट आ रहा था कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन को आप कवर करें, जितने भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं जो कि वेटनरी मेडिसिन में आते हैं, यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनरोफ्लॉक्सासीन। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो आप देख सकते हैं एनरोफ्लॉक्सासीन एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में, कि ये कब यूज़ में लाया जाता है, ठीक है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट है पशु में, ठीक है, और किस पशु में कितनी डोज इसकी देनी है और किस बीमारी में इसे यूज़ करना है, तो ये सब कुछ आप आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। अगर आप वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाएं। तो दोस्तों, ये जो एनरोफ्लॉक्सासीन इंजेक्शन होता है, ये होता है एंटीबायोटिक इंजेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों, ये जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। अब दोस्तों, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शन क्या होते हैं दोस्तों, जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है फ्रेंड्स, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर काम करता है, उस चीज़ को कहते हैं हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो दोस्तों ये, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है हमारा एनरोफ्लॉक्सासीन, ये दोनों पर जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों अब हम ये जान लेते हैं कि इस एंटीबायोटिक को किस बीमारी में जो है पशु में जो है यूज़ में लाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला है दोस्तों न्यूमोनिया। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूमोनिया दोस्तों आपको पता होगा अगर आप वेटनरी के स्टूडेंट्स हैं कि पशु के फेफड़ों में, फेफड़े की जो है, फेफड़े का ये रोग होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें कि फेफड़ों में जो है मवाद भर जाता है, यानी कि और पशु के मुख से जो है पानी जैसा द्रव पदार्थ बाहर निकलता है और इससे पशु की जान भी जा सकती है। तो पशु में न्यूमोनिया में एनरोफ्लॉक्सासीन एंटीबायोटिक इंजेक्शन को जो है इस्तेमाल में लाया जा सकता है। दूसरा है दोस्तों मैस्टाइटिस, यानी कि पशु में थनैला रोग, जिसका दोस्तों थनैला रोग के बारे में भी मैं आपको बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा। तो पशु में जो अर्डर में जो है, टिट्स में जो है थनैला रोग होता है, ठीक है, तो उसमें भी आप इस इंजेक्शन का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पशु में जो पेशाब होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पशु में जो मूत्र नलिका में जो है इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो उस स्थिति में भी पशु में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद अगर आपके पशु के गर्भाशय के अंदर मवाद भर गया है, ठीक है फ्रेंड्स, गर्भाशय के अंदर मवाद भर गया है, सूजन है वहाँ पे गर्भाशय के अंदर, अगर मवाद भरा होगा दोस्तों तो वहाँ से जो है पीले कलर का पदार्थ जो है योनि से बाहर निकलता है, तो उस स्थिति में भी पशु में इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों पशु में जो है जुकाम बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है पशु को, ठीक है, तो उस स्थिति में भी इसे यूज़ में लाया जाता है। ऐसी मतलब बहुत सारी जो ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों मतलब सीधी बात मैं आपको ये बताऊं, जहाँ पर हमारा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन यूज़ में लाया जाता है, वहाँ पर जो है एनरोफ्लॉक्सासीन एंटीबायोटिक इंजेक्शन को भी यूज़ में लाया जा सकता है। अब दोस्तों इसकी डोजेस की हम बात करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपका जानवर बड़ा है, ठीक है, 500 से 600 या फिर 400 से 600 केजी के बीच में है, ठीक है, तो आपने उस पशु को जो है 15 ml इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं, इंट्रावेनस भी लगा सकते हैं, सबकुटेनियस यानी कि सबकट भी पशु में इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। और कई कंपनियों के ऐसे इंजेक्शन आते हैं जिनको सिर्फ आप इंट्रामस्कुलर ही लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों बात करते हैं अगर आपका जानवर छोटा है, जैसे काफ है, भेड़ है, बकरी है, तो उसमें आप 3 से लेकर 5 ml तक इंट्रामस्कुलर ही दें। जो छोटे जानवर हैं उनको आप इंट्रामस्कुलर ही दें 3 से 5 ml के बीच में। अगर आपका जो है पिग है, ठीक है फ्रेंड्स, तो पिग का जो है आप
वज़न के हिसाब से अगर आपका 100 केजी का पिग है तो उसको आप 5 ml इंट्रामस्कुलर जो है एनरोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों किस बीमारी में यूज़ में होता ये भी हो गया, ठीक है, कितनी डोजेस किस पशु की देनी है ये भी हो गया। अब दोस्तों एक बात का आपको खास ख्याल रखना है कि जो हमारा जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक होते हैं, जैसे कि अगर आपने किसी पशु को ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक लगा दिया है तो फिर उसके बाद आपको ये जो एनरोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन है वो इस्तेमाल में नहीं लाना है। मतलब अगर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आपके पास अवेलेबल है तो आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगवा देना है, ठीक है। अगर आपके पास एनरोफ्लॉक्सासिन है तो आपको इस इंजेक्शन को लगवा देना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो आपके पशु की जान भी जा सकती है, ऐसे केसेस भी देखे गए हैं। तो आपको अपने पशु में सिर्फ एक ही एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और एनरोफ्लॉक्सासिन, यानी कि जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो ये दवाइयाँ होती हैं, इंजेक्शन होते हैं। और दोस्तों एनरोफ्लॉक्सासिन में जो है आप और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पेंसिलिन ग्रुप की जो है एंटीबायोटिक आती है, ठीक है, जो कि दोस्तों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे काम करती है, तो उन एंटीबायोटिक का जो है आप अपने पशु में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन इन बातों का जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों अगर इनको लगा देते हैं तो पशु के जान जाने का खतरा रहता है। दूसरा, पशु की जो किडनी होती है, पशु की किडनी को जो है डैमेज होने का भी पशु में काफ़ी ज़्यादा जो है खतरा रहता है। तो ये जो बातें हैं आपको अपने माइंड में ध्यान रखनी है। और दोस्तों ये जो हम वीडियोस बनाते हैं, ये जो इंजेक्शन होता है, आप लोगों का कमेंट आता है कि आप मेरी बातों पे विश्वास क्यों करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो मैं आपको बातें बताता हूँ वो आपको याद रखनी है, और किसी भी वेटनरी फार्मासिस्ट या डॉक्टर से आप संपर्क करके उनसे भी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, तो वो वहाँ से आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो दूर हो जाएगा। अब दोस्तों ये बात करते हैं कि फील्ड में ये भी देखा गया है कि एनरोफ्लॉक्सासिन का जो इंजेक्शन होता है, जैसे कि जो छोटा काफ है यानी कि बछड़ा है, ठीक है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि अगर आपका पशु जो है काफ़ी लंबे समय से बीमार चला हो, काफ़ी लंबे समय से, और पशु भूखा है जो कि छोटा बछड़ा होता है, तो उसमें जो है आपको इस इंजेक्शन को, एनरोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन को नहीं लगाना है, क्योंकि पशु की जो कई बार डेथ भी हो जाती है। दूसरा, ऐसा फील्ड में देखा गया है जब पशु को जो इस इंजेक्शन को लगाया गया है, तो ये तो दोस्तों बहुत कम जो है होता है। लेकिन आप क्या करें कि अगर आपका पशु भूखा है, जो है भोजन नहीं ग्रहण कर रहा, चारा नहीं खा रहा है, और काफ़ी लंबे समय से बीमार है, तो आप किसी और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें। और जैसे कि जो मैंने आपको डिजीज़ बताई, बीमारियां पशु में आपके हैं, तो उस स्थिति में आप बेझिझक जो है इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।